मेरा नाम है अमित रंजन और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट HRI, जिसमें एडमिशन जो है उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। तो बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं MSc और PhD दोनों प्रोग्राम के लिए। MSc एंड PhD प्रोग्राम इन फिजिक्स दोनों के लिए आपका यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। टेंटेटिव डेट्स क्या होंगे, इंटरव्यूज कब होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँगा और कौन कौन एलिजिबल है इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। उससे पहले यार, अनअकैडमी पे अगर आप CSIR नेट के या IIT जैम की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारे साथ कर सकते हो। नीचे लिंक पे जाओ, विजिट करो उसको, जाके देखो वहाँ पे फ्री स्पेशल क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद अगर आपको ठीक लगे तो बैच अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो बैच के लिए IIT जैम के जो बैचेस हैं वो 24 के लिए, इसका जो प्राइस रहेगा दैट विल बी 11,231 एक साल के लिए। और अगर जैम 25 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 2 साल का जो है 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो मात्र 16,335 रुपये में। आज 27th है, 28th से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर IIT जैम 24। हाँ, यहाँ पे 3 एजुकेटर मिलकर आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जैम 25 के बैचेस जो इसी के साथ ही चलेंगे, मतलब सेम बैचेस ही हैं आपके। ठीक है, आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। साथ में CSIR नेट पे सारे सब्सक्रिप्शन आपको 35% तक का ऑफ मिल रहा है, 30 अप्रैल तक वैलिड है। अगर आप CSIR नेट 24 की तैयारी कर रहे हो, 1 साल का सब्सक्रिप्शन आप सिर्फ 13,000 में ले सकते हो और 6 महीने का सब्सक्रिप्शन जो आपको सिर्फ 9,333 में मिल जाएगा। तो रेफरल कोड मैंने आपको बता दिया, लाइव MIT 10, ये कोड जो है हर जगह वैलिड रहेगा। चलो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखो यार, अगर आप यहाँ पे देखो, इनका एडमिशन प्रोसीजर ना थोड़ा सा अलग सा है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एडमिशन टू द MSc एंड PhD प्रोग्राम्स इन फिजिक्स। ठीक है, इनके इंटरव्यूज 15, 16, 18 और 19 मई 2023 को होने वाले हैं और ये पूरा ऑनलाइन होगा। एडमिशन कैसे होगा भाई? तो आपका एडमिशन जो होगा वो जेस्ट के थ्रू होगा। ठीक है, अगर आपने CSIR नेट क्वालिफाई कर रखा है तो आप PhD के लिए एलिजिबल हो और MSc में जो एडमिशन होगा वो सिर्फ आपका जेस्ट के थ्रू होने वाला है। ठीक है, कोई फॉर्म नहीं है इसमें, इस बात का ध्यान रखना। इंटरव्यू के लिए देखो, जिनका MSc प्रोग्राम में जिनको एडमिशन लेना है उनकी रैंक 205 तक होनी चाहिए। 205 से अगर ज्यादा रैंक है आपकी तो फिर आप एडमिशन नहीं ले सकते। रैंक 1 से लेकर 205 तक वाले बच्चे इसमें एलिजिबल हैं, या फिर परसेंटाइल की बात करें तो 93.56 परसेंटाइल से ऊपर वाले बच्चे। ठीक है, अच्छा, आपके BSc में 60% मार्क्स होने चाहिए, इसके कम मार्क्स में आपका नहीं चलेगा। और अगर आपने HRI से ही मास्टर्स कर रखा है तो फिर आपका फर्स्ट ईयर में जो है फर्स्ट ईयर आपके 7 CGPA से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, फॉर PhD प्रोग्राम, अगर PhD प्रोग्राम की बात करें तो जिनकी जेस्ट में रैंक जो है 150 तक है वो या इसके लिए एलिजिबल है। और उसके बाद दोज हु आर सीकिंग एडमिशन शुड हैव एटलीस्ट 60% मार्क्स इन देयर मास्टर डिग्री लेवल ऑल्सो। आपके मास्टर्स में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने CSIR नेट सिर्फ क्वालिफाई कर रखा है तो भी आप जो, और अगर आपकी रैंक 150 से ऊपर है तो भी आप इसके इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो HRI में। ठीक है, अगर आप HRI में ही अगर आप MSc करो तो फिर आपके CGPA जो 6 या उससे ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, इसके लिए फिर आपका CSIR नेट और इसकी कोई जरूरत नहीं है, लिखा हुआ क्लियर। अच्छा, अब इनका एडमिशन का क्या प्रोसीजर है? तो भाई आपको सिर्फ क्या करना है, एक मेल जो है आपको लिखना है इस ईमेल आईडी पे, physicsjest@hri.res.in। आप इसको मेल कर दोगे, इस मेल में क्या होना चाहिए आपका जीमेल आईडी से करना, फोन नंबर जो है आपको यहां पे मेंशन कर देना अपना, और उसके बाद अपना जेस्ट रैंक CSIR वाले बच्चे जो उनको सॉफ्ट कॉपी ऑफ देयर रिजल्ट जो है वो भी इनको भेजना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे सिर्फ अपना जेस्ट रैंक जो है वो आपका जेस्ट का रैंक कार्ड जो आया हुआ है वो बस आप इसको भेज दो। अभी देखो, इसकी लास्ट डेट कुछ भी नहीं दे रखी है, बट ये चूंकि वेबसाइट में 12 मई तक ये अपना लिस्ट जो है वो रिलीज करेंगे, तो कोशिश करना 8-10 मई से पहले पहले आप प्लीज इस फॉर्म को भर देना। ठीक है, फिर जैसे ही आपका यहाँ पे एंट्रेंस हो जाएगा उसके बाद फिर आप, मतलब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद फिर आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, व्हाट इज द क्वालिफाइंग टेस्ट? तो टेस्ट वगैरह या कुछ FAQ है तो इनको आप प्लीज एक बार पढ़ लेना, फ्रीक्वेंसी FAQ है तो प्लीज इनको एक बार पढ़ लेना, ज्यादा कुछ नहीं है। बट ईमेल आईडी ये वाली ध्यान रखना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ईमेल आईडी दे दूंगा तो आप जाके वहां से इसमें मेल करना। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ जल्दी, प्लीज इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो अगर आप CSIR नेट या IIT जैम की तैयारी करना चाहते हो। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ जल्दी, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।